हर घड़ी तुझसे एक पल प्रभु दूर ना रहूं कभी। देखूं मन की आंखों से मैं सदा तेरी छवि, देखूं मन की आंखों से मैं सदा तेरी छवि। मैं बन के प्रेम ज्योति तेरे लिए जलूं, सजा के मन के मंदिर उपासना करूं। मैं बन के प्रेम ज्योति तेरे लिए जलूं, सजा के मन के मंदिर में उपासना।
आइए आज हम यहाँ पर सब कोई एकत्रित हुए हैं। आज हम अपने पापल्ली पुरोहित फादर यशुराज की 25 वर्षीय जीवनी का कार्यक्रम है, इसलिए हम आज प्रभु यीशु क्राइस्ट से आराधना स्तुति करते हुए ईश्वर को धन्यवाद देंगे और ईश्वर के फादर के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। इसके लिए आज हम सब कोई खड़े घुटने टेकेंगे और पवित्र आत्मा का गाना होगा। अभी हम सब खड़े हो जाएंगे और धन्यवाद का पाठ पढ़ा जाएगा। संत लूकस अध्याय 17 पद संख्या 11-19।
अध्याय 17 पद संख्या 11 से 19। ईसा यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करने पर उन्हें 10 कोढ़ी मिले, जो दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर से बोले, ईसा गुरुवर, हम पर दया कीजिए। ईसा ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि वह निरोग हो गया है, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह ईसा को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा, और वह समारी था। ईसा ने कहा, क्या दसों निरोग नहीं हुए, तो बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। यह ईश्वर की वाणी है। अभी हम मौन रहेंगे और ईश्वर से ईश्वर को धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे। इसके बाद हम धन्यवाद का स्तुति और धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद का निवेदन पढ़ें। आज के विशेष दिन के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम सभी को फादर यीशु राज की 25वीं जुबली मनाने का शुभ अवसर मिला है। हम हमारे पंडित पुरोहित के विशेष मतलबों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हे प्यारे प्रभु जी, हम आज फादर यशराज के माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने अपने आपके बेटे को ईश्वर का सेवा के लिए, ईश्वर वचन का प्रचार करने के लिए त्याग दिया, इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हम अपने पल्ली पुरोहित फादर यशराज की 24वां वर्षगांठ के सभी अच्छे कार्यों के लिए व बाइबल के वचनों का हम सभी को अच्छा ज्ञान देने के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद का गीत। धन्यवाद।
यहाँ पर सबके लिए निवेदन किया जाएगा और सबका उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने पोप स्वामी व धर्माध्यक्षों, सभी पुरोहितों तथा सभी सिस्टरों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने जीवन कार्य में सफलता पाए और सेवा कार्य में आगे बढ़ते जाएं। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सब सभी प्रार्थना से प्रार्थना करें कि वह प्रत्येक क्रिश्चियन परिवार में एकता एवं शांति स्थापित करे। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अस्पताल में बड़े रोगियों के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा के वरदानों से उन्हें भर दीजिए ताकि वे जल्दी चंगाई पा सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें, हम अपने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों के लिए प्रार्थना करें कि वे देश को सच्ची प्रगति की ओर ले जाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
नवयुवक नवयुवतियों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने संपूर्ण तन मन धन से क्रिस्त के प्रचार कार्य को आगे बढ़ाएं एवं जन 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 में क्रिस्तीय विचारों को फैलाने में अपना योगदान देते रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। परमपिता परमेश्वर, हमारे फादर यीशु राज को आपके हाथ में देते हैं। उनके पवित्रताई जीवन के लिए आने वाले साल में प्रभु और आपके द्वारा कार्य करते रहे और उन्हें प्रचुर मात्रा में आशीष दीजिए प्रभु। उन्हें करिश्माय प्रार्थना द्वारा और वचनों को फैलाने के लिए, ज्योति को फैलाने के लिए और मजबूत बना दीजिए। आपके पवित्र आत्मा द्वारा हम यह प्रार्थना करते हैं। हे प्रेमी पिता, प्रभु यीशु क्राइस्ट के नाम से मेरे जीवन की दान के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। पुरोहिता ये वरदान के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। 25 साल पूरे होते आपकी उन सभी आशीष कृपादानों के लिए और विशेषकर पिछले 4 सालों से इस आमला पल्ली में हर परिवार के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने निरंतर मेरा साथ दिया है। प्रभु यीशु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आमलापल्ली के सभी परिवारों को आशीषित कीजिए, निरंतर आपके कृपा में उन्हें संचालित कीजिए और विशेषकर सभी बच्चों के लिए, युवक युवतियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, उनके जीवन में आपकी इच्छा पूरी होने दें और आने वाले समय में मेरा जीवन आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। प्रभु यीशु, जैसे तूने इस 25 साल मुझे संभाला है, रक्षा किया है, मार्गदर्शन किया है, उसी प्रकार मेरे जीवन को पवित्र आत्मा से संचालित कीजिए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, आज हम यहाँ उपस्थित सभी लोगों के लिए विशेष करके हमारे फादर एजराज के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु जी, उन्हें अपना पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि अपने वचनों को दूसरों लोगों को फैला सके और ईश्वर के लिए, अनेक लोगों के लिए ईश्वर के करीब आने के लिए उनको आशीष प्रदान कीजिए और उनकी अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। उसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, उन सभी लोगों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ जो मेरे जीवन में आए और विशेष रूप से मेरे मिशन कार्य में आगे बढ़ने के लिए मदद किया है। उन सबों को आप आशीषित कीजिए और विशेष रूप से आज आमलापल्ली के सभी सिस्टर लोगों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु, उनकी सभी सेवा कार्य निरंतर आपकी सेवा में आपकी महिमा के लिए होते रहे। उन्हें अच्छे स्वास्थ्य दीजिए और निरंतर आप उन्हें अपनी आत्मा से संचालित कीजिए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज हम विशेष करके हमारे पल्ली प्रोविट के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं कि उनके कार्य में सफलता प्रदान कीजिए और उन्हें आगे जीवन में आगे बढ़ने का साहस दीजिए।
उनके पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दीजिए, ताकि वो सब दूर सभी संसार में ईश्वर के वचन को अच्छी तरह सुना सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्यारे प्रभु जी, हम आज के सुंदर दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारे पल्ली पुरोहित ने जिस प्रकार अपने जीवन में ये 25 साल पूर्ण किए हैं, इसी प्रकार आपके हाथों में उन्हें रखिए और क्रिस्त की ज्योति में हमेशा आगे बढ़ाइए और उन्हें हमेशा भला चंगा एवं स्वस्थ रखिए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। परम पिता परमेश्वर, आज हम सारे संसार के परिवार को समर्पित करते हैं। जिस प्रकार आपने अपने सन पापा के द्वारा परिवार साल की घोषित किया प्रभु, नाजरेत का पवित्र घराना बनने के लिए, यीशु मरिया उसका पवित्र घराना बनने के लिए प्रभु, सारे परिवार को एकत्रित कर, सारे परिवार को आपके पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर, आपके रक्त के द्वारा उन्हें शुद्ध कर, पवित्र कर और यीशु मरिया योजक के समान अपना जीवन अपने परिवार में बिता सके। इसलिए सारे परिवार को आपके चरण में लाते प्रभु, सारे परिवार को नाजरेत का पवित्र घराना बनने के लिए आप अपनी आशीष प्रदान कीजिए। हम यह प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ मेरे पुरोहित 25 साल के जीवन के लिए और उन सभी साथियों के लिए जिन्होंने मेरे साथ पढ़ा है, उन सबों के लिए भी मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ और सारी विश्व में फैली हर पुरोहित के लिए प्रवेश में तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि पुरोहिताई ही आपकी दिल की प्यार है जो तूने सारी मानव जाति में बांटा है। हर पुरोहितों को आप आशीर्वाद कीजिए प्रभु और उन्हें निरंतर अपनी पवित्रता में सामर्थ्य में आगे बढ़ाइए, जिससे आपके भक्ति कार्य आगे बढ़ सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, मैं आपको प्रति सभी माता पिता आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। प्रभु यीशु आपकी आशीष कृपा से भर दीजिए, ताकि आपकी सेवा में दिन और रात आपकी सेवा करें हम लगे रहे। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। राज को रखा और अब तक प्रभु तूने उनको सुरक्षित रखा, प्रभु तूने उनको इस
मंडली का चरवा बनाया है, क्योंकि तूने सिखाया कि अच्छा चरवा मैं हूँ और मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। होने दे प्रभु, वो तेरे सानिध्य में दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले हो, उन्हें अपने वचन के अनुसार हर एक प्रकार के खतरे, मुसीबत, बीमारियां सब प्रकार से प्रभु बचा करके रख, और वो हर समय तेरे पंखों तले तेरे शरण में ये पाए बनी थी, और उनके सानिध्य में ये मंडली दिन दुनी और रात चौनी फूलती रहे प्रभु जी। हम तुझसे ये प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं आज हमारी आमला पल्ली वासियों के साथ आपके चरणों में फादर राज के लिए धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने हमारी कलीसिया को पिछले 4 वर्षों में विश्वास, प्रेम और त्याग में आगे बढ़ने में सहायता की है, उसी तरह के भविष्य में भी हमें और हमारे अलावा औरों को भी ईश्वरीय ज्ञान में और विश्वास में आगे बढ़ाने में सहायक हो सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने फादर यशुराज को हमारी तालीम में फली पुरोहित के रूप में भेजा और उन्होंने हमें आपके मार्ग में आगे बढ़ाया, इसी तरह वो हमें आगे आपके मार्ग में आगे बढ़ाते रहे, इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारी सभी निवेदनों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए उन्हीं शब्दों से प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हम सब अपने हाथ फैलाकर वही प्रार्थना बोलें जो प्रभु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में है वैसे भूमि पर भी हो, हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु दुष्ट से छुड़ा जा। आमीन। हम सभी घुटने टेक के इस महान गीत गाते हैं। Thank you.
सब लोग अपने हाथ फैला के प्रभु की आशीष दे रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु। दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य